अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर लग रहे आरोपों पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बयान आया है। संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर प्राइम फेसी कोई मामला बनता हो तो जाँच होनी चाहिए। होसबोले का ये बयान भोपाल में संघ की बैठक से इत्र सामने आया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को लगातार घेर रही है। बता दें कि एक वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि जय शाह ने एक ही साल में अपने बिजनेस टर्नओवर को 50,000 सेकंड बढ़ाकर 80 करोड़ किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मामले को गलत बताया गया। वहीं जय शाह की ओर से वेबसाइट पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस भी किया गया है। दत्तात्रेय ने कहा कि जो विचारधारा में हमसे हार गए हैं वो केरल में हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। भोपाल में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश अभी नाजुक हालत से गुजर रहा है, लोकतंत्र में बहस होना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख की दशहरा स्पीच हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है, हमारी इस पॉलिसी पर हमें अच्छा फीडबैक मिला है। होसबोले बोले कि देश गंभीर हालत से गुजर रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि लोग अपने विचार रखें। उन्होंने संघ की जानकारी देते हुए कहा कि एक साल में करीब 30,470 की दैनिक शाखा और 15,423 की साप्ताहिक शाखा लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमने वेबसाइट पर आरएसएस से जुड़ने के लिए कैंपेन चलाया है। अभी तक 71,800 लोगों ने हमारे साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। ये पिछले साल के मुकाबले 52% ज्यादा है। इस बैठक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संघ कार्यकर्ताओं के कामकाज की समीक्षा करने के अलावा शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग, संस्कृति संरक्षण, हिंदुत्व, आदिवासी कल्याण, जैविक खेती, युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इस बैठक में देश भर के 11 क्षेत्रों और 42 प्रांतों से लगभग 300 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस बैठक में संघ की कार्ययोजना पर विचार विमर्श होगा और बीते 6 माह में संघ के काम का कितना विस्तार हुआ है, इस संदर्भ में प्रांत के अधिकारी ब्यौरा देंगे। बैठक से पहले भाजपा के संगठन महामंत्री रामलाल ने सरसंघ चालक मोहन भागवत से भेंट की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।